हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। है तो फ्रेंड्स, फाइनली आज आपका हो चुका है 26 अक्टूबर 2021 है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपकी एग्ज़ाम में हाल में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 है, जिसका जो पेपर है वो 10 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो अब बारी आती है इसके रिज़ल्ट की, कि आखिर रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, कब तक आने की है वो संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में यानी 2020 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर 2020 को। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम के लगभग 19 से लेकर के 20 दिन बाद में ही जारी कर दिया गया था। तो ऐसे में इस बार आपकी एग्ज़ाम हुई है 10 अक्टूबर को, तो ऐसे में इसकी संभावना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक के अंदर आने की संभावना है पूरी पूरी, यानी अक्टूबर लास्ट वीक के अंदर। अगर अक्टूबर लास्ट वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक तो आपका रिज़ल्ट वो आ ही जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही कुछ ऐसे अपडेट मिलता है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट वो कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।